हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले टॉप 10 मिथ्स इन इंडिया बाइक ड्राइविंग 3D। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला मिथ है, आप पेट्रोल पंप पर साइड वाले दीवार पर चढ़ सकते हो। ओके, तो मैं पेट्रोल पंप पर आ चुका हूँ और मुझे लगता है यही दीवार है, तो इस पर ठीक से चढ़ना पड़ेगा। ओ भाई चढ़ गया, अब धीरे धीरे जाते हैं, ऊपर चढ़ पाएंगे कि नहीं हम लोग। अब इस पर जंप पर टैप करते हैं, ये गया ऊपर भाई, वाह। और यहाँ से हम लोग आराम से ही जॉम्बी को मार सकते हैं, तो ये मिथ कंफर्म है। हमारा अगला मिथ है, शोरूम के ऊपर जाकर उसके मिरर पर चढ़ो देखो होता है क्या। ओके ऑल राइट, तो हम शोरूम के अंदर आ चुके हैं और हम लोग हेलीकॉप्टर से अगर ऊपर जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग अंदर आएंगे और 9129 करके इन्फोनाइट हेल्थ, 1120 करके स्काई फॉल से ऊपर हम लोग आ जाएंगे शोरूम के ऊपर। ओके हम लोग शोरूम के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ का जो शीशा है इसी के ऊपर चढ़ना था, तो चढ़ते हैं इसके ऊपर। ओ भाई हम लोग इसकी तो आर पार हो गए भाई, इस मिरर के आर पार हो गए, तो ये मिथ होता है कंफर्म। हमारा अगला मिथ है, न्यू हाउस के अंदर जाओ फिर टीवी के पास वाले टेबल पर जाकर जंप का बटन प्रेस करो और आप सीधे सेकेंड फ्लोर पर पहुंच जाओगे। ओके, तो हम लोग न्यू हाउस में आ चुके हैं और यहाँ पे टीवी के साइड वाले लैम्प के टेबल पर जंप करना था, तो हम ऊपर जा पाते कि नहीं। वो ऊपर जाओ। ओ भाई ये कहाँ चला गया, अरे ये तो सच में ऊपर चला गया, सेकेंड फ्लोर पर हम लोग सच में आ चुके हैं, लेकिन सेकेंड फ्लोर में आने का सीढ़ी है या नहीं। अबे सेकेंड फ्लोर आने का कोई सीढ़ी ही नहीं है इसमें, यहाँ पे एक गेट है लेकिन ये तो बंद है, तो लेकिन हम लोग ट्रिक से तो ऊपर आ चुके हैं, तो ये मिथ कंफर्म है। हमारा अगला मिथ है, फन ट्रैक के मोड के अंदर जाओ फिर किसी भी एक फ्यूल के सामने या पीछे खड़े हो जाओ, उसके बाद ट्रेन को फॉरवर्ड करो और देखो मैजिक। ओके, तो हम लोग फ्रंट ट्रैक में आ चुके हैं और इस फील्ड के आगे हम लोग खड़े हो जाते हैं, उसके बाद ट्रेन को फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कोई मैजिक या कोई दूसरा चीज हम लोगों को देखने को मिलता है कि नहीं। तो ये आया ट्रेन और हम लोग, ये भाई वो भाई हम लोग कहाँ चले गए भाई, ये ट्रेन आया जैसे ही हम लोग, ये कहाँ गया ऊपर ही, ये तो स्काई फॉल हो गया अपने आप ही। तो इस मिथ को एक बार और ट्राई करना बनता है, मैं आ चुके यहाँ पे और ट्रेन को फॉरवर्ड कर चुका हूँ, फिर देखते हैं इस मैजिक को। तो ये आया और ये गया भाई, ओ भाई ये कितना ऊपर गया भाई, ओ भाई ये कैसे जा रहा है भाई। इस मिथ को करके तो मजा ही आ गया, इस मिथ को लास्ट बार ट्राई करते हैं और ऐसे ही नहीं ट्राई करते, नाइट मोड लगा कर ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं नाइट मोड में कैसा लगता है। ओ भाई ये तो फुल स्टार ही दिख रहा है, हम लोग कहाँ चले गए, हम लोग देख भी नहीं रहा है वो किधर गया। वाओ ऐसा लग रहा है कोई मतलब गॉड नीचे आ रहा है, लेकिन मस्त लग रहा है भाई, ये मिथ कंफर्म है। हमारा अगला मिथ है, नाइट मोड को ऑन करो फिर जुरासिक पार्क के अंदर जाओ ट्री देखो वो ग्रो होगा। तो मैं जुरासिक पार्क के सामने आ चुका हूँ और नाइट मोड करते हैं, देखते हैं ट्री ग्रो हो रहा है कि नहीं। ओ भाई ये तो फुल ट्री ग्रो हो रहा है भाई, लेकिन कैसे ट्री ग्रो कैसे हो रहा है अंदर जाकर देखते हैं, लेकिन जैसे ही इसके पास जाती है ट्री ग्रो होना बंद होता है, लेकिन ट्री तो ग्रो हो रहा है, तो ये मिथ कंफर्म है। हमारा अगला मिथ है, हम मून ग्रेविटी करके अपने प्लान को जहाँ खड़े हैं वहीं से उड़ा सकते हैं, लेकिन बिना मून ग्रेविटी के अपने प्लेन जल्दी नहीं उड़ा सकते हैं। पहले हम लोग इसको नॉर्मल में ट्राई करते हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं से उड़ा सकते हैं कि नहीं इसको, तो ये मैंने किया। अब वे उड़ जा, उड़ गया ये गया, उड़ गया भाई उड़ गया ये तो उड़ गया, लेकिन थोड़ा जा के उड़ा है और ये क्रैश लैंडिंग हो गया यहाँ पे। तो हम लोग मून ग्रेविटी लगाकर ट्राई करते हैं, 7112 करके मून ग्रेविटी को लगाते हैं, उसके बाद ये इसको ट्राई करते हैं कि जल्दी उड़ पाता है कि नहीं भाई। तो ये मैंने इसको किया और ये उड़ गया, वो सेट थोड़ा क्रैश हो गया लेकिन ये उड़ गया, ये जहाँ खड़े थे वहाँ ही से उड़ गया। ओ भाई तो ये मिथ कंफर्म है। हमारा अगला मिथ है, नाइट मोड ऑन करो फिर किसी भी बिल्डिंग पर जाओ और एरोप्लेन के फैंस को देखो वो ग्रो करेगा। ओके, तो मैं एयरपोर्ट में आ चुका हूँ और वो खाली बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं। ओके, तो मैं ऊपर आ चुका हूँ और नाइट मोड करते हैं। ओ भाई
ये तो सच में गोल्स ग्रो हो रहा है। ये क्या है, ये दिवाली वाली है क्या, लाइट वगैरह लगा हुआ है गोल्स पे? तो ये मिथ कंफर्म है। हमारा अगला मिथ है टैंक स्पॉन करो, फिर उसके ऊपर हॉर्स को स्पॉन करो, उसके ऊपर डायनासोर को स्पॉन करो, और फिर उसके ऊपर डॉग को स्पॉन करो, उसके बाद हॉर्स और टैंक पर फायर करो और डॉग हवा में उड़ेगा। ओके, मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो मैंने सबसे पहले टैंक को स्पॉन किया, 200 से हॉर्स, उसके बाद 5050 करके डीनो, उसके बाद लास्ट 600, उसके बाद इस टैंक को ब्लास्ट कर देना है। तो मैंने इस टैंक को फुल ब्लास्ट कर चुका हूँ। ये डॉग ऊपर क्या कर रहा है भाई? ये टैंक को तो ब्लास्ट हो चुका है, लेकिन ये डॉग ऊपर क्या कर रहा है अकेले? तो ये मिथ कंफर्म है। हमारा अगला मिथ है क्लोथ वाले सेक्शन के अंदर अपने कैरेक्टर को चश्मे पहनाओ, फिर मस्टैंग स्पॉन करो और फर्स्ट पर्सन मोड करके देखो, चश्मे पर बॉक्स लिखा हुआ दिखेगा। ओके, तो मैंने इसको चश्मे पहना चुका हूँ और 8123 करके मस्टैंग को बुलाते हैं और फर्स्ट पर्सन करते हैं। ओ भाई, इसमें सच में इसमें बॉक्स लिखा हुआ है, तो ये मिथ कन्फर्म है। हमारा अगला मिथ है रोल्स रॉय स्पॉन करके उसके ऊपर डॉग को स्पॉन करो और देखो मैजिक। रोल्स रॉय को स्पॉन करते हैं 2000 चीट कोड से, 600 से डॉग को स्पॉन करते हैं इसके ऊपर। ओ भाई, ये कहाँ चला गया भाई, ये मस्टैंग किधर चला गया? ओ भाई, ये जैसे ही डॉग स्पॉन हुआ ये मस्टैंग किधर उड़ चुका है। तो हम लोग इसको अलग व्हीकल पर ट्राई करते हैं, इसको ऊपर 600 स्पॉन किया। ओ भाई, ये किधर चला गया? ओ भाई, ये तो मैजिक हो रहा है भाई। तो ये मिथ कंफर्म है। हमारा अगला मिथ है एयरपोर्ट पे जाओ और उसके के सामने वाले खाली बिल्डिंग पर जाकर RGS टूल ओपन करो और उसके अंदर लिखो जेंट और देखो मैजिक। ओके, तो मैं ऊपर वाले बिल्डिंग पर आ चुका हूँ और RGS टूल को खोलते हैं और इस पर लिखते हैं जेंट। ओके, जेंट लिखने के बाद इसको करते हैं सेव। तो ये सेव हो चुका है, लेकिन इस सेव में ये कुछ हुआ नहीं, तो ये मिथ बस्टेड है। तो गाइस, आपको ये मिथ बस्टेड वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, और आपको भी कोई मिथ याद हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं अगली वीडियो में उस कमेंट को ले लूँगा। तो मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।